किया खेसारी लाल यादव का स्टार्डम डाउन। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। हाल ही में पवन सिंह की एक नई फिल्म के गाने को आप सभी के बीच रिलीज किया गया, जिस गाने का नाम है दांते से ओढ़नी दबा के। और इस गाने को गाए हैं पवन सिंह और अनुपमा यादव। गाने की व्यूज की बात की जाए तो 22,83,000 इस गाने पे व्यूज अब तक मिल चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और 22,83,000 व्यूज पे 1,70,000 लाइक्स मिला है, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। वहीं हाल ही में खेसारी लाल यादव का भी एक नया एल्बम गाना आप सभी के बीच रिलीज हुआ खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे, जिस गाने का नाम है धनी तुहार धन। और इस गाने की व्यूज की बात की जाए तो 23,84,000 व्यूज मिला है, जो की आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, और 23,84,000 व्यूज पे 1,66,000 लाइक्स मिला है। और यहाँ पे खेसारी लाल यादव के गाने पे 1,00,000 व्यूज ज्यादा है, फिर भी पवन सिंह के गाने पे अच्छा लाइक्स मिला है, यानी 5,000 लाइक्स बेसी मिला है खेसारी लाल यादव के गाने से। और पवन सिंह का फिल्म वाला गाना है, वहीं खेसारी लाल यादव का एल्बम गाना है। वहीं इन दोनों गाने के रील्स की बात की जाए तो पवन सिंह का गाना दाते से ओढ़नी दबा के इस गाने पे 17,000 से ऊपर रील्स बन चुका है। वहीं खेसारी लाल यादव जी का गाना धनी तुहार धन इस गाने पे 11,000 रील्स बना है अब तक। तो अब क्या खेसारी लाल यादव का धीरे धीरे स्टारडम डाउन हो रहा है? तो दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं। जिसका गाना अच्छा रहेगा चलेगा, जिसका अच्छा गाना अच्छा नहीं रहेगा नहीं चलेगा। और अच्छा गाने को कोई नहीं रोक सकता, चाहे किसी का गाना हो, अगर अच्छा रहेगा तो चलेगा, थोड़ा सा प्रमोशन कर दिया जाए तो चलेगा। वीडियो पसंद है तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।